हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस चैनल सो पिछले वीडियो में हमने देखा text, text को कैसे क्रिएट किया जाता है डिलीट किया जाता है एंड ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ आज के इस सेशन में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फेच एंड पुल सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों कमांड्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे यूजिंग एग्जाम्पल्स So, पहले चलिए देखते हैं गिट फेच। सो गिट फेच हमारे लोकल रिपोजिटरी में लेटेस्ट चेंजेस को सिर्फ डाउनलोड करता है ये डाउनलोड करता है फ्रेश चेंजेस को जो डेवलपर हमारी रिमोट रिपोजिटरी में लास्ट फेज के बाद पुश किया हो और ये हमें अलाउ करता है उसे रिव्यू और बाद में मैन्युअली मर्च करने के लिए ओके okay? और जैसे कि ये हमारे वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया में कुछ भी चेंजेस नहीं करता कुछ भी इफेक्ट नहीं करता इसीलिए हम इसे कभी भी बिना किसी दिक्कत के रन कर सकते हैं सो so, यहाँ मैं जिन पॉइंट्स को कवर करना चाहता हूँ वो है जब हम गिट फेज का यूज़ करते हैं फिर ये सारे चेंजेस को रिमोट रिपोजिटरी में से लोकल रिपोजिटरी में लाता है बिना हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को एफेक्ट करे अगर इसके बाद हम चाहे कि सारे चेंजेस हमारे लोकल रिपोजिटरी से अब वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाए तो उसके लिए हम गिट मर्ज कमांड का यूज कर सकते हैं जिससे हमारे सारे चेंजेस लोकल रिपोजिटरी से के साथ मर्ज होके हो जाए और हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाए राइट सो so, यहाँ जरा भी कंफ्लिक्ट होने का चांस नहीं है ओके नाउ चलिए अब देखते हैं गिट पुल के बारे में गिट पुल बेसिकली हमारे चेंजेस को डाउनलोड करता है हमारे लोकल में और फिर ये ऑटोमेटिकली हमारे चेंजेस को मर्ज भी कर देता है हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में सो ये हमें चेंजेस को रिव्यू करने का मौका नहीं देता और एज अ कंसिक्वेंस मर्ज कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सिर्फ मर्ज करेगा चेंजेस को हमारे वर्किंग ब्रांच में अदर ब्रांच वैसे की वैसे अनअफेक्टेड ही रहेगी सो so, यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि जब भी हम गिट पुल का यूज करते हैं फिर ये हमारे सारे चेंजेस को बेसिकली रिमोट ब्रांच में से हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में लाता है सो बेसिकली ये इंटरनली दो चीजें करता है गिट फेच प्लस गिट मर्ज एंड जैसा कि तुरंत हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को मर्ज कर देता है और अगर हमारी सेम लाइन में अलग अलग चेंजेस हो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में और रिमोट डायरेक्टरी में तो हमें कुछ कन्फ्लिक्ट भी देखने मिल सकते हैं राइट सो आई होप आप सभी अब डिफरेंस समझ पाए होंगे इन दोनों के बीच का नाउ चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं सो so, ये रहा हमारा गिटलेब अकाउंट एंड यहाँ हमारा प्रोजेक्ट है नाउ चलिए कुछ चेंजेस करते हैं यहां सो so, हमारे टेस्ट टू डो टी एक्स टी फाइल में यहां आई विल क्लिक ऑन एडिट और आप देख सकते हो ये एक एम टी फाइल है सो so, यहाँ मैं कहूंगा दिस इज अ अंडम टेस्ट फाइल एंड यहां आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट कमेंट मैसेजेस अपडेट

हमारे मास्टर ब्रांच में कुछ कमिट हुआ है या कुछ चेंजेस हुआ है नाउ अगर मैं मेरे लोकल फोल्डर में जाऊं यहाँ आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक चेंजेस को मर्ज नहीं किया या हमने चेंजेस को पूल नहीं किया हमारे लोकल रिपोजिटरी में सो so, चलिए अब देखते हैं हमारा पूल कमांड सो so, अब मैं टाइप करूंगा गिट पुल सो ये अब इंटरनली दो चीजें करेगा लाइक like फर्स्ट ये सारे चेंजेस को फेच करेगा जो रिमोट रिपोजिटरी में हुए हैं और फिर ये ऑटोमेटिकली चेंजेस मर्ज करेगा हमारी लोकल रिपोजिटरी में सो so, चलिए देखते हैं यस yes, यहां आप देख सकते हो चेंजेस जो हमने अभी किए थे सो so, अगेन अगर हम गिट पुल का पुल कमांड का यूज करते हैं हम चेंजेस रिव्यू नहीं कर सकते मर्जिंग से पहले बट अगर हम गिट फेज का यूज करते हैं देन हम हमारे चेंजेस को रिव्यू कर सकते हैं और फिर अगर हमें वो चेंजेस को मर्ज करना हो तो हम उसे लोकल रिपोजिटरी के साथ मर्ज कर सकते हैं मर्ज कमांड का यूज करके सो आई होप आप सभी इन दोनों के बीच का डिफरेंट आप समझ गए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो Feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. So, thank you for watching. Bye and have a nice day.